गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9। आज आप अवकल नियता डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कल तक मैंने आपको कंटिन्यूटी के एक्स्ट्रा एग्जांपल्स एवं उसकी एक्सरसाइज और एग्जांपल और उससे संबंधित थ्योरी बेसिक कंसेप्ट सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। आज हम बात कर रहे हैं अवकल नियता की। पिछली कक्षा में मैंने देखा कि 11th क्लास के अंतर्गत हमने बहुत सारे फलनों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी 11वीं क्लास में सीखा हुआ है। और हम बात करेंगे यदि किसी वक्र की, यदि कोई वक्र y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स इस वक्र के x इज इक्वल टू a पर अवकलनीय कहलाता है यदि वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सके। यदि वक्र बिंदु x बराबर a पर टूटा हुआ है, ब्रेक है, या इस बिंदु पर वक्र अपनी दिशा बदल रहा हो तब फलन f ऑफ x बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी वक्र जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स x इज इक्वल टू a पर अवकलनीय कहलाता है यदि वक्र इस बिंदु की स्पर्श रेखा खींची जा सके और x बराबर a पर जो वक्र है वो टूटा ना हो। यदि टूटा है तो वो अवकलनीय नहीं होगा, मेन चीज। दूसरी बात होती है कि वो टूटा ना हो और शार्प ना हो। मैंने दो बातें बताई थी आपको, एक तो बताई थी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। डिफरेंशिएबिलिटी में खास बात होती है डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी जो खास बात होती है नो ब्रेक एंड नो शार्प। मैंने सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में यही बात बताई है। तो नो ब्रेक और नो शार्प, इसका अर्थ आप समझ लें कि ना तो वो ब्रेक होना चाहिए और ना ही शार्प होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल होगा। सबसे पहली बात आती है कि सर हम ये जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो न्यूमेरिकल की बात तो आएगी, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुके हूँ, ठीक है। नो ब्रेक क्या होता है, वहाँ पे कोई भी वक्र है उसका जब हम ग्राफ खींचते हैं, है ना, आलेख खींचते हैं, तो उसमें कोई भी ब्रेकिंग, मतलब ऐसा ना हो कि मान लीजिए यहाँ चल रहा है, पहले कोई वक्र यहाँ था और फिर वो यहाँ से, तो क्या हुआ, ये गैप, ये जो गैप आया है, गैप कोई हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक। और जब ये ब्रेक हो जाता है तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। शार्प हो बात की बात है, लेकिन अगर नो ब्रेक है तो वहाँ पर ही नहीं होगा, दैट क्लियर, अगर हम उसकी अवकलनीयता चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक और बात करेंगे कि इसमें डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव मीन्स अवकलज। देखो भाई, हम पहले बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। हम सवालों की बात तो बहुत जल्द कर लेते हैं और सवाल बहुत जल्दी आ जाते हैं, आसानी से आ जाएंगे, लेकिन बात करते हैं उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है आपको बता दें, यहां लिख देता हूं, डेरिवेटिव इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशियंट। डिफरेंशियल कोफिशियंट यानी कि जो अवकलज होता है वो डिफरेंशियल कोफिशियंट के इक्वल होता है, बिल्कुल होगा। कोई सपोज दैट एक कर्वेचर ले लेते हैं, कोई भी एक कर्वेचर ले लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है ना, इस कर्वेचर पर कोई मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ओके। इस पर मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट खींच दिया, ठीक है, टेंजेंट इस पर से रेखा टेंजेंसी, ठीक है ना। यहाँ से हमने देखा कि ये जो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये x डैश एक्सिस है, तो यहाँ से ये इसके साथ में एक एंगल बनाता है थीटा। जब ये एंगल थीटा इस पर क्या करेगा, एक झुकाव, ढाल, टेन थीटा के रूप में आएगी, तो टेन थीटा जब बनाएगी तो टेन थीटा इज इक्वल टू dy/dx, अर्थात
हम इसी को क्या कहेंगे, टेंजेंट। अर्थात ये क्या हो गया, हमारा झुकाव हो गया, क्या हो गया, झुकाव। तो दैट इज डेरिवेटिव, इसको हम डिफरेंशियल कोफिशियंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इनको जानना अति आवश्यक है। बात करते हैं कि इसके बाद जब यहाँ पर एक शब्द आया कि ये हमने एक लाइन खींची और वो इस पर क्या कर रही है, कर्व को टच करती हुई जा रही है, टच करती हुई जा रही है, इसका नाम आया टेंजेंट। तो ये पहला पॉइंट था अपना डिफरेंसिबिलिटी के लिए। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हम जब देखेंगे तो दूसरा पॉइंट आता है टेंजेंट। कितने लोग जानते हैं टेंजेंट क्या है, स्पर्श रेखा है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ते हैं आगे। तो टेंजेंट अर्थात ये स्पर्श क्या है, स्पर्श रेखाएं क्या है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक चित्र के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक हम कर्वेचर लेते हैं। इसी तरह मैंने जो बताया बहुत ही शानदार डेफिनेशन मैं देने वाला हूं आपको, एक ऐसी डेफिनेशन। हाँ, अब बहुत सारे लोग बताएंगे कि कर्व, जो एक कर्व है, वक्र है, उसको कोई लाइन स्पर्श करती हुई जाती है वो टेंजेंट कहलाता है, दैट इज राइट। और यदि किसी कर्व पर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है और जो उस पर लंब है वो भी आपकी स्पर्श रेखा टेंजेंट कहलाती है, बिल्कुल सही है। बट हम बात कर रहे हैं कि टेंजेंट की एक और डेफिनेशन निकल के आए वो देखें। हमने क्या किया, एक कर्वेचर लिया, ठीक है ना, एक हमने कर्व लिया और इस टाइप से लिया, उसको आगे पीछे बढ़ा लेंगे अपन लोग। तो ये ले लो, चलो ये भी सही नहीं आ रहा है, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये हमने एक कर्व ले लिया। तो ये जो हमने कर्व लिया है, अब इस कर्व के अनुसार हम इस पर क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट मतलब चाहे इस पर हमने एक सीकेंट लाइन खींची। कैसी लाइन, सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन का मतलब होता है छेदक रेखा, क्या होता है, छेदक रेखा। तो ये कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगी, तो इसका नाम है सीकेंट लाइन, ठीक है, छेदक रेखा। ये बातें समझते चलना, ये छेदक रेखा है। जब ये छेदक रेखा आपने देखा क्या कर रही है, इन दो बिंदुओं पर आ गई, आ गई। अब क्या करेगी ये छेदक रेखा, हम आपको टेंजेंट की डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, नई डेफिनेशन दे रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पर ये कर्व जो है वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। जब इस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पर एक हमने सीकेंट लाइन खींची और सीकेंट लाइन को हमने क्या किया, टर्न किया। अच्छा, हमने जब टर्न किया तो ये थोड़ी देर, हाँ, ये पॉइंट मान लो x इक्वल टू सी, क्या मान लिया, x इक्वल टू सी या a जो भी मानना चाहो मान लो, उससे कोई फर्क नहीं। तो हमने x इक्वल टू सी, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा टर्न किया, टर्न किया तो ये लाइन थोड़ी देर बाद उठ के यहाँ पे आ गई, ये ऐसी तो आएगी, लेकिन अभी भी वो क्या कर रही है, सीकेंट ही है। और इस सीकेंट लाइन को थोड़ा सा हमने और ट्विस्ट किया, और ट्विस्ट किया तो ये इसके लास्ट पॉइंट पर टच करती हुई इस तरीके से आ गई। ये देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो ये इस तरह आ गई। तो ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर, ये लास्ट पॉइंट हो गया एक तरीके से। इस लास्ट पॉइंट पर ये जो सीकेंट लाइन थी वो क्या कर गई, ट्विस्ट कर गई। क्या कर गई, ट्विस्ट मतलब घूम गई, टर्न करा दिया। तो टर्न करा दिया, दिस इज द पॉइंट। अर्थात ये जो वक्र पर जो अंतिम पॉइंट आया, ठीक है ना, अंतिम पॉइंट आया इस पर, जिस पर वो टच करके करती हुई जा रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको ही हम क्या कहेंगे, उस चीज को समझें, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। इसको हम कहेंगे लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, यही इसकी सही परिभाषा है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ठीक है। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट मीन्स, यानी कि वो सीकेंट लाइन जो कि वक्र के मतलब अंतिम पॉइंट पर टच करती है, जब ये छेदक ना हो, तो ये देखो टच करती हुई जा रही है, इसी को हम लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, इसकी नई डेफिनेशन कह सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी भी सीकेंट का लास्ट पॉइंट होता है, किसी भी सेकेंड का लास्ट पॉइंट होता है, उसी को हम टेंजेंट कहते हैं। ये सीकेंट लाइन का ये लास्ट पॉइंट है जो इसको टच करता हुआ जा रहा है, क्या करता हुआ जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है, किसी भी सीकेंट लाइन का अंतिम बिंदु जो उस वक्र को टच करता है, दैट इज
क्या कहलाता है, टेंजेंट्स कहलाता है। टेंजेंट कहलाएगा तो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, आज से आप लिख लें, ये इसकी न्यू डेफिनेशन हो सकती है। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है आपकी, जो किताब में लिखी हुई वो भी अच्छी है, लेकिन ये कुछ अपर स्तर की है, आप कुछ नया सीखें। तो मैंने आपको ये बताया कि टेंजेंट है क्या, आखिर आया कैसे, बना कैसे, कहाँ से आया, तो ये मैंने आपको कोशिश की है इसको दर्शाने की, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें हल्का हल्का थोड़ा सा। अब हम आपको बताएंगे, तीसरा पॉइंट है हमारा, एक तो हो गया आपका डेरिवेटिव, दूसरा मैंने बता दिया टेंजेंट, स्पर्श रेखा, है ना, और तीसरा है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। कुल मिलाकर के यहाँ से हमारा जो मेन थीम है RHD LHD, ठीक है ना, ये हमें पता लग जाएगा क्या है, कैसे निकल के आता है। तो हम जो बताने जा रहे हैं वो राइट हैंड टेंजेंट और लेफ्ट हैंड टेंजेंट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक सीकेंट लाइन लेंगे, ठीक है ना, और जो सीकेंट लाइन होगी वो इस तरीके से यहाँ से जा रही है, ठीक है ना, ये हमारी सीकेंट लाइन है और इस तरीके से ये सीकेंट लाइन यहाँ पे ये है, ठीक है ना। तो ये सीकेंट लाइन है, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये आया कैसे, किस तरीके से ज्योमेट्रिकल में कैसे हम दर्शाते हैं, ज्यामिति में क्या है ये। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया x = c, या a कुछ भी ले सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं, क्या ले लिया x = c। अब हम बात करते हैं इस लाइन की, तो यहाँ पर x = c, तो यहाँ पर जो ये सीकेंट लाइन है और ये एक पॉइंट अपना यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा और देख लेंगे, चलिए। तो ये सीकेंट लाइन पर ये इन्फिनाइट तक होती है, तो ये घटा गया, तो इसको हमने ट्विस्ट कराना शुरू किया। तो इसको टेंजेंट्स बनाने के लिए हमने क्या किया, एक बिंदु ये हो जाएगा, तो ये धीरे 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 क्या होगा, यहाँ से पहले यहाँ से आएगी, तो ये थोड़ा सा इसको टच करती हुई इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी, है ना, तो ये इधर चली जाएगी इस तरीके से, थोड़ा और टर्न करेंगे तो बिल्कुल सीकेंट लाइन बनाने के लिए ये किसी बिंदु पर आ जाएगी। तो जब ये बिल्कुल किसी बिंदु पर आ जाएगी तो ये आते आते इस तरीके से, इसको मैंने कह दिया C+H, तो कुछ H टर्म के लिए आ जाएगी, तो ये घूम घूम के इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है ना, ये पूरा टिपिकल चित्र हो जाता है, तो इसलिए ये टेंजेंट्स हो गया। तो ये जो लाइन जा रही है, ये देखो, ये इससे टच करती हुई जा रही है, दैट इज टेंजेंट। अब हम बात करेंगे, अभी आप देखते चलो, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बिल्कुल एक ही लाइन में। तो जब हमने इस पर लाइन लिया, तो दिस पॉइंट इज, ये जो पॉइंट होगा, तो इस पर इस पॉइंट के जो, ये भाई f(x) है, तो इस पॉइंट के जो आपके निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, c, f(c), देखो ध्यान से, c और f(c) होगा या नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या होगा इस पॉइंट के, तो c+h और f(c+h) इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, c+h और c। ये देखो एक तरीके से क्या बन गया, ये आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था टू पॉइंट, है ना, तो टू पॉइंट, ये x1 x2 y1 y2 y2 - y1 / x2 - x1। तो ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। इसलिए हम इसको RHD, तो RHD बराबर ये इसको तैयार कर लेना आप निश्चित तौर पर यही फॉर्मूले। तो ये जो कुछ लिखेंगे, ये H tends to 0, ये क्या करेगा, H tends to 0, जीरो H 0 की ओर जब अग्रसर होगा तो ये लाइन घूमते 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 क्या होगी, वो इसी पे आ जाएगी, अर्थात ये वाली लाइन है वो लिमिट H tends to 0 फंक्शन ऑफ C+H माइनस फंक्शन ऑफ C/C-C। तो लिमिट H tends to 0 फंक्शन ऑफ C+H - f(c) और अपॉन H। आज से RHD का आप यही फॉर्मूला क्या करोगे, पढ़ने वाले हैं, वेयर H > 0। देखो अपनी बुक में जो लिखा हुआ है वो मैं बता दूंगा आपको सब कुछ, लेकिन जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो यहाँ से चित्र के माध्यम से। देन अब क्या होगा, सेम एक सीकेंट लाइन इसी तरह की इधर भी होगी, भाई उसके बाईं साइड में ले लो इस तरीके से, तो कुछ इस टाइप की होगी, हाँ। तो ये भी लाइन क्या करेगी, ये पॉइंट हमने जो माना वो अपना हो जाएगा सी, ऐसे ही C - H करके, है ना, तो ये भी घूम कर इस तरीके से आएगी, फिर इस तरीके से ये यहाँ पे
मिल जाएगी आगे। तो ये जो मिलेगी आके, तो यहाँ से ये सी माइनस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी माइनस एच, ठीक है, सी माइनस एच, और क्या बन जाएगा? एफ सी माइनस एच, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा, सी माइनस एच और एफ सी माइनस एच, ठीक है ना। तो इस पर ये पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो अब आप देख रहे होंगे इसकी जो एल एच डी है, क्या है? एल एच डी। तो एल एच डी में लिमिट, ये भी एच टेंड्स टू जीरो, ये बन जाएगा सी माइनस एच। तो ये एच टेंड्स टू जीरो, लेफ्ट साइड से एच जीरो की ओर चलेगा, तो एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ सी माइनस एच, फंक्शन ऑफ सी, सी माइनस एच माइनस सी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ सी माइनस एच, फंक्शन ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपॉन माइनस के एच, एल एच डी, ठीक है। तो ये एल एच डी का फॉर्मेट होगा, वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो। तो आज से आप ये इसको लेफ्ट हैंड टेंजेंट, ये क्या होगा कि ये दोनों टेंजेंसी इस तरीके से मिल जाएंगी, इस तरीके से। ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एक ही लाइन देखेगी, जबकि दो टेंजेंट है। लेकिन इसकी जो स्लोप है वो कैसी हो गई? सेम। जब स्लोप सेम हो गई तो टेंजेंट सेम हो जाएगी। जब ये टेंजेंट सेम होंगे तो लेफ्ट राइट हैंड, इसको टेंजेंट को ही तो डेरिवेटिव बोलते हैं। अभी अभी बताया था ना, टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, डी वाई वाई डी एक्स। तो यही हमारा आर एच डी होता है, जिसको हम राइट हैंड टेंजेंट या राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन स्मॉल एच, एच इज ग्रेटर देन जीरो। ये आपका दाहिनी साइड से हो गया एल एच डी, राइट लेफ्ट साइड से बाएं पक्ष का आपका लग, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ क्या हो जाता है? सी माइनस एच। तो हम ये थोड़ा सा देखो क्रिटिकल हो जाता है चित्र में, ऐसा थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा, आप इससे मत जाओ, आप तो इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर रूप से समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो जो डेफिनेशन है उसको समझने का प्रयास करोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एल एच डी पे आ गए हम। तो हमने जो सीखा अभी अभी आपको जो बताया, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निरूपित करता है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। पूरी डिफरेंशियबिलिटी इसी पे चलने वाली है। अगर आप ये फॉर्मूले, हाँ भैया क्या पढ़ा है साहब, यही नहीं आता है, और सब आता है, और सब आने का क्या मतलब होगा, जब यही नहीं आता है तो डिफरेंशियबिलिटी में क्या सीख रहे हैं। तो मेन चीज़ होगी हमारी डिफरेंशियबिलिटी किस तरीके से हम सीखते हैं। तो ये तीन पॉइंट हैं जो कि मेन थे, जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट और बताऊंगा, जैसे इसका फोर्थ पॉइंट है। तो सबसे पहले इसमें हम लिख रहे हैं यूनिक टेंजेंसी का मतलब जानते हो? यूनिक, अद्वितीय स्पर्श, वही वाली बात आ गई ना। तो हमने अगर इस तरीके से लिया तो ये एक पॉइंट है, तो इस पर एक इधर जाएगा एक इधर, कितनी टेंजेंसी हो गई? दो। तो एक पॉइंट पर टेंजेंसी दो है, लेकिन इनकी स्लोप कैसी है? सेम है। तो अब जब स्लोप सेम है, स्लोप जब इसकी ढाल सेम है, ढाल क्या सेम है? ढाल, क्योंकि एक ही पॉइंट पर देख रहे हो आप, एक ही पॉइंट पर एक ही टेंजेंसी दिख रही है, लेकिन ये दो हैं, है ना। तो क्या हुआ? इधर का टेन थीटा, इधर का टेन थीटा, दोनों सेम हो गए, अर्थात इसका जो डेरिवेटिव है वो सेम हो गया। तो क्या लिखेंगे? एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, बोलो भाई। तो दैट इज, हम कह सकते हैं यूनिक टेंजेंसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? यूनिक। तो यहीं पे हम देख सकते हैं एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। सर तो अलग क्या होगा? हमने देखो जो आपको बताया है, अगर हम ऊटपटांग क्वेश्चन ले लेते तो आपकी समझ में आ जाए कैसे, डिफरेंशियबिलिटी होगी कहाँ नहीं। जैसे आप कहो कि डिफरेंशियबिलिटी होगी कहाँ, ले लो साहब y इक्वल टू मोड एक्स ले लो। तो y इक्वल टू मोड एक्स ले लिया, मैंने आपको सिखाया y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ ये रहा, तो दूर से ही पता लग गया होगा y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू, ये देखो क्या कहा था मैंने, चोंच, क्या निकल आया? सार। क्या हो गया? सार। और स्वाभाविक बात है कि इसकी ये टेंजेंसी हो गई, ये टेंजेंसी, तो क्या है, ये अलग अलग सी हो गई, तो इसका मतलब ये शार्प है, शार्प है, तो क्या हो गया? नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल, आ गई समझ में। तो ये जैसे ही शार्प हुआ तो क्या हो गया कि ये नॉट डिफरेंशियबल हो गया। और देख लो, मैंने आपको, हाँ चलिए ये नोट डाउन कर लेते हैं, एक आध और उदाहरण बता देंगे, समझ में आ गया आपके?
तो ये मेन फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करना होगा। अभी मैं आपकी बुक में भी समझा दूंगा, बुक में कैसे लिखना है, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मेन फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे लिखाए हैं, पर्टिकुलर केसेस में किसी भी पर्टिकुलर बिंदु पर इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, इनके क्या क्या नाम होते हैं वो भी मैं लिखने वाला हूँ। लिख लो आप पहले। अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे साइन मॉड एक्स, है ना, साइन मॉड साइन एक्स का। तो यहाँ से देखिए, इस तरीके से उसकी इमेज बना दी हमने, तो क्या होगा, एक टेंजेंसी तो इसके सारे सारे ये टेंजेंट हो जाएगा, ये देखिए, और एक इसके सारे सारे ये, तो कितने टेंजेंट हो गए, दो। तो ये यूनिक टेंजेंसी है, नहीं है। तो यूनिक टेंजेंसी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके डेरिवेटिव समान नहीं होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं एक ही पॉइंट पर। तो आप देखेंगे एल एच डी डज नॉट इक्वल आर एच डी। तो आपको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि किस तरीके, और ये देखो मैंने आपको सिखाया, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, ये शार्प है, शार्प मीन्स चोंच निकल रही, चोंच निकल रही तो नॉट डिफरेंसिबल होगा, ठीक है। इसलिए दिस फंक्शन इज, फंक्शन इज नॉट डिफरेंसिबल, अवकल नहीं है, डिफरेंसिबल, ठीक है भाई। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से। अब आपने सपोज दैट एक और ले लिया, मैं आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका भी बता देता हूँ। अब आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, इसका ग्राफ होता है पैराबोलिक, कैसा होता है, ये पैराबोलिक हो गया। तो इसकी जो टेंजेंसी है इस तरीके से, सपोज दैट ये आ रही, ये आ रही ना, तो ये देखो, ये इधर को, इधर को, एक ही बिंदु पर क्या आ गया, समान। तो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, इसलिए फंक्शन इज डिफरेंसिबल होगा। तो इस तरीके से मैं जो ग्राफ के माध्यम से आपको बता रहा हूं, ये आपकी बुक में इस तरीके से नहीं दिया गया, ये हम जो बता रहे हैं ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, किस तरीके से हम ग्राफ के माध्यम से डिफरेंसिबल और कंटिन्यूटी को पहचानते हैं। तो मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए, आपको ये भी बताया कि टेंजेंट, लेफ्ट हैंड टेंजेंट, राइट हैंड टेंजेंट कैसे निकलता है, किस तरह से सीकेंट लाइन, जो मैंने बताया लिमिटिंग केस ऑफ, क्या बताया, लिमिटिंग केस ऑफ, और उसका सीकेंट, यानी कि सीकेंट का अंतिम पॉइंट जो होता है वो आपका टेंजेंट कहलाता है, अर्थात वो टच करती हुई जो लाइन जाती है उसकी दूसरी डेफिनेशन में मैंने बात की है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो वही चीज़ है, टेंजेंट आया कहाँ से, कैसे आया, वो सारी डिस्कस मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कि इसमें सर हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें कुछ चीज़ें और बताएंगे कि इसको कैसे दर्शाते हैं, कैसे लिखते हैं, तो वो सारी बातें वैसे बुक में हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप उसमें कॉपी पे भी नोट डाउन कर सकें। तो कॉपी पर किस तरह से नोट डाउन करना है वो मैं अभी बता दूंगा आपको थ्योरी के मामले में। नेक्स्ट जो भी पॉइंट हो कि हम इसको लिखते कैसे हैं, तो आर एच डी को, जो आर एच डी है उसको एफ डैश ऑफ ए प्लस, एफ डैश ऑफ ए प्लस, एफ डैश ए लिखो या सी, सी माना ना मैंने, तो सी प्लस, और सी प्लस जीरो, ठीक है, एफ डैश सी प्लस जीरो, और कई नाम हैं इसके, एल एफ डैश ऑफ सी, सॉरी आर एफ डैश ऑफ सी। तो देखो इस तरीके से बहुत सारे नाम इसके लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट मेन थीम जो है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी और अपॉन एच। सेकेंड थिंग, इसको हम कहते हैं द्विपद पक्ष का अवकलज, सभी बच्चे याद रखेंगे द्विपद पक्ष का अवकलज क्या होता है। अब लिखेंगे बाएं पक्ष का अवकलज, हिंदी में बाएं पक्ष का अवकलज, तो बाएं पक्ष का अवकलज क्या कहलाएगा, एल एफ डैश ऑफ सी एट द पॉइंट ऑफ सी, सी पर देख रहे हैं, तो इसको एल एच डी एफ डैश सी माइनस, एफ डैश सी माइनस जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ सी माइनस एच फंक्शन ऑफ सी अपॉन माइनस एच। तो ये आप इस तरीके से नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना, ये आपके किसके बारे में, एल एच डी और आर एच डी के बारे में मैंने दर्शा दिया कि ये नोटेशन कैसे करते हैं, इनसे हम नोटेशन करते हैं, इनसे भी नोटेशन करते हैं, और ये हमारा फॉर्मेट है।
ठीक है, ये नोटेशन कैसे होता है, मतलब निरूपित कैसे करते हैं, उनको कैसे डिनोट किया जाता है, वो हमने सारी बातें आपको यहाँ पे इंगित कर दी हैं। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि ये साहब डिफरेंशियल कब होंगे। ठीक है, अवकलनीय, केवल अवकलनीय कब होंगे, तो हम आपको बता दें f डैश ऑफ c प्लस इज इक्वल टू f डैश ऑफ c माइनस। ठीक है, ये आपका, जब ये हम ये कह सकते हैं या हम यूं कह सकते हैं rf या f डैश ऑफ c प्लस 0 इज इक्वल टू f डैश ऑफ c माइनस 0। नेक्स्ट, इसलिए हम ये कह सकते हैं यदि ये इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये अवकलनीय होंगे, पर्टिकुलर बिंदु पर कैसे होंगे, अवकलनीय हैं। ठीक है, x बराबर c पर, जिस भी बिंदु पर हम बात करते हैं। और तो डिफरेंशियल की डेफिनेशन तो यही कहती है कि इसको किस तरीके से लिखा जाए। एक और मेन फॉर्मूला जो होता है वो भी हम आपको बता दें कि पर्टिकुलर किसी बिंदु पर इसका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या होता है, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। इसको हम क्रांतिकारी फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये सब में काम आता है IIT वगैरह, क्रांतिकारी सूत्र। क्या है क्रांतिकारी सूत्र, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन x माइनस c। देखिए कैसे क्रांतिकारी क्यों है, यही आ जाएगा, आप c रख दो तो f(c) - f(c) / c - c 0/0, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, इसका 0, इसका 1, इसका 0, तो एफ डैश क्या आया, एफ डैश एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है, सी, तो एफ डैश सी आ गया। तो एल हॉस्पिटल रूल में, क्रांतिकारी सूत्र में आप देख सकते हैं कि ये मेन फॉर्मूला, और देखो यही LHT और RHT को निरूपित करता है। अगर हम RHD की बात करें तो x इक्वल टू c + h पुट कर दो, जैसे हम c + h पुट करेंगे तो देखोगे ध्यान से f(c) + h - f(c) c + h - c यही बन गया। और जैसे ही हम LHD की बात करेंगे c - h पुट कर दो तो f(c) - h - f(c) c - h - c - h। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं LHD और RHD, हम चाहते तो आपको केवल फॉर्मूले लिखा देते कि LHD है या RHD है ना, एक्सपेंसिव करके सीधा लिखा करके और हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, बेसिक कंसेप्ट इज द स्ट्रॉन्ग। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज के अंदर है तो हम कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये बुक्स में हर बात लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली क्या, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से हम सब समाहित करके पढ़ाते हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको जो भी बताया है वो मैंने फुलफिल करने की कोशिश की है और आप भी अपनी एक्सरसाइज में देख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि अपनी बुक में किस तरीके से थ्योरी को दिया गया है, 128 पेज पर आप देखेंगे सभी बच्चे, 128 पेज पर हमने जो लिखाया वो तो आप लिख ही लेना, और अगर आपको और तरीके से थोड़ा देखना है तो आप अपनी बुक में फलन लिखा हुआ है, फलन का बायां अवकलज और फलन का दायां अवकलज। इसमें एक बात का ध्यान और रखेंगे कि जो LHD RHD है का मान विद्यमान एवं परिमित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि जो वैल्यू है विद्यमान एवं परिमित, बिल्कुल सही बात है, परिमित, ठीक है, विद्यमान एवं परिमित, और ये भी जो हमने लिखा है विद्यमान एवं परिमित, ये भी इसी दोनों में एक ही बात है। इसका अर्थ समझते हो, विद्यमान एवं परिमित, मैंने कंटिन्यूटी में भी बताया, विद्यमान वैलिड हो एंड कैसा हो, फाइनाइट हो, ये बहुत जरूरी है, फाइनाइट होना। ऐसा नहीं है इनफाइनाइट दोनों तरफ आ गया साहब मेरा तो सही है, नो, LHD RHD जब तक वो फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट हुआ तो अनडिफाइंड में कैसे हम कह सकते हैं। तो इसलिए हमें वैलिड भी होना चाहिए। अब वैलिड कैसे, मतलब अब सपोज दैट 0/0 ये आ गए तो ये वैलिड नहीं हुआ ना, तो उसको सॉल्व करके बताना होगा, तो इसलिए आप ध्यान रखें ये फाइनाइट होना आवश्यक है। तो ये बात आप लिख लेंगे, मैंने सारे जो संकेतन है वो मैंने लिख दिए, नोटेशन सारे लिख दिए किस किस तरीके से हम दर्शाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो थ्योरी है बुक में हमने वो थ्योरी सब लिखा दी है जो आपको जरूरत है। इसके बाद
आप आ जाएं अवकलनीय फलन। अवकलनीय फलन की बात भी मैंने कर ली है, ये देखिए मैंने बोला x बराबर c पर अवकलनीय कब, जब उसका एफ डैश ऑफ सी प्लस एफ डैश ऑफ सी माइनस इक्वल हो जाए, या एफ डैश ऑफ सी प्लस जीरो एफ डैश ऑफ सी माइनस जीरो, या एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, अगर वो इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये फलन कैसा है, अवकलनीय है। नेक्स्ट बात करते हैं किन किन स्थितियों में, किन किन स्थितियों में वो कैसा है, वो अवकलनीय नहीं होगा, जब उनके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे हो, इक्वल ना हो, कैसे ना हो, इक्वल ना हो, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर बिंदु C पर अवकलनीय नहीं होगा। नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी प्लस जीरो एफ डैश ऑफ सी माइनस जीरो, उनमें से कोई एक या दोनों परिमित ना हो, अभी अभी बोला मैंने परिमित ना हो, फाइनाइट ना हो, तो भी हम कह सकते हैं कि वो अवकलनीय नहीं होंगे, एक या दोनों। और ये भी हो सकता है एक या दोनों में कोई भी विद्यमान ना हो, वही बात है परिमित और विद्यमान दोनों एक ही बात है, मैंने कह दिए इस तरह से। इसके बाद आता है अंतराल में अवकलनीयता, ये थ्योरी है, ये अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हो, ये एफ ऑफ एक्स विपरीत अंतराल ए बी में अवकलनीय कहलाता है यदि एफ ऑफ एक्स इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो, बिंदु पर अवकलनीय हो, और संवृत में एफ ऑफ एक्स संवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय कहलाता है यदि एफ डैश सी विद्यमान है और ए पर एफ ऑफ एक्स का दायां अवकलज और बी पर एफ ऑफ एक्स का बायां अवकलज विद्यमान हो, तो हम कह सकते हैं कि ये फलन जो है वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, अवकलनीय होंगे, मतलब संवृत अंतराल में अवकलनीय होते हैं। तो यही कुछ परिभाषाएं हैं और नीचे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको भी आप पढ़ लेना। तो इस तरीके से थ्योरी तो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो मैंने यहाँ पे करा दिया है वही आज के लिए आपके लिए काफ़ी रहेगा, इतना आप तैयार कर लेंगे, है ना। तो अब आप देख के आप देख लें, जब तक आप नोट कर लें, नोट करने के पश्चात फिर आप बताएं हमें। तो आज आप के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, इतना आप तैयार करें, कल आपको इसके एग्जांपल्स कराऊंगा, फिर उसके सवाल कराऊंगा, और मिसलेनियस 100% आपकी अपने आप हो जाएगी, आप उसको शुरू कर दें, जो सांतत्य पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चंस खोजना स्टार्ट कर दें, 1 to 10 तक तो इसी के डिफरेंसिबल और इसके ही क्वेश्चन आते रहेंगे, सारे रिपीट करेंगे, तो इसलिए आप स्टार्ट कर दें, ठीक है, धन्यवाद।